हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास 9th विज्ञान प्रश्न बैंक के अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। और जैसा कि आपको पता है, इस अध्याय से 6 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 अंक के 3 ऑब्जेक्टिव आएंगे और एक 3 अंक का प्रश्न आएगा। तो बेहद ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है। हम यहाँ पर इसके सारे प्रश्नों का जो है आंसर आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फटाफट मेरे साथ में। सबसे पहला क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता, किसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली? तो लाइसोसोम को बोला जाता है। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। पादप कोशिका भित्ति निर्मित होती किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल होती है, प्लांट सेल वॉल, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। और गुणसूत्र निर्मित होते हैं किसके बने होते हैं? जो गुणसूत्र होते हैं वो डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका उत्तर आएगा स वाला, यानी कि उपयुक्त दोनों। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। और केंद्रकाय पाया जाता है जीवाणुओं में, उच्च पौधों में, उच्च जीवों में, यानी सभी में पाया जाता है, इसलिए उपयुक्त सभी। क्रिस्टी पाई जाती है, तो क्रिस्टी जो होती है वो माइटोकांड्रिया में पाई जाती है। आगे बात करें क्वेश्चन 8 की, केंद्रक के आधार पर कोशिका के कितने प्रकार होते हैं? तो केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, कथन किसका है? तो विर्चो ने कहा था। और पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे रंग का वर्णक कौन सा है? तो वो क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल। और मैथिलीन ब्लू रंजक से रंगा जाता है केंद्रक, ठीक। और डीएनए का खंड कहलाता है, तो डीएनए का खंड जो होता है वो जीन कहलाता है, ठीक। अब हम बात करते हैं यहां पर खालिस्तान की। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। कोशिका वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। जीव द्रव्य नाम हैक्सले ने दिया था, किसने दिया था? हैक्सले, ओके, हैक्सले। और गाल्जी उपकरण की खोज वैज्ञानिक कैमिलो गाल्गी ने की थी, क्या नाम उनका? कैमिलो गाल्गी। समसूत्री विभाजन कोशिकाओं में होता है, तो कौन सी कोशिकाओं में होता है? कायिक कोशिकाओं में। किसमें? कायिक कोशिकाओं में। और जो जनन कोशिकाएं होती है उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लोरोफिल में पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और कोशिका का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका का मस्तिष्क होता है, ठीक है। अब सही जोड़ी की बात कर लें, RER का अर्थ होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये क्या करता है? ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ओके। ACR क्या करता है? ACR जो होता है इसका काम है वसा का संश्लेषण, ठीक है। गाल्जी काय जो है वहाँ क्या काम करता है? गाल्जी काय इसको बोलते हैं लाइसोसोम का निर्माण करती है। प्लास्टिड जो होती है वहाँ प्रकाश संश्लेषण में काम देते हैं, यानी कि जो हरित लवक होते हैं। और लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्मघाती थैली, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ एक अंक वाले प्रश्नों की, सत्य असत्य की। जैसे अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। एकल झिल्ली वाला अंगक राइबोसोम है, तो ये गलत है। कोशिका जीवन की संरचना कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये भी गलत है, वो तो है। और किशमिश को पानी में रखने पर विसरण के कारण फूल जाती है, सत्य है। स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, बिल्कुल सत्य। एटीपी का पुराना एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये भी सत्य है। और अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आगे कुछ बात और करेंगे हम, जैसे कि कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो कोशिका सिद्धांत जो है कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? आपको पता है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और जो ल्यूवेन हॉक है उन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगों के नाम कोई भी आप लिख सकते हैं, माइटोकांड्रिया, गाल्गी काय, है ना। और दैनिक जीवन में विसरण का उपयोग लिखिए, विसरण यानी कि हम जैसे अगरबत्ती जलाते हैं और उसकी खुशबू दूसरे कमरे में चली जाती है। डीएनए का पूरा नाम क्या नाम है? डीएनए का डाई न्यूक्लियो एसिड, है ना। आगे बात करेंगे 2 कोशिकाओं के नाम लिखे जिनका अपना डीएनए होता है, तो प्लास्टिड और माइटोकांड्रिया। और रसधानी का कार्य, इसमें पानी भरा होता है, है ना। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका विभाजन मुख्यतः वैसे तो 3 प्रकार का होता है, अर्धसूत्री, समसूत्री और असूत्री कोशिका विभाजन, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है? तो सबसे पहले प्राथमिक कार्य उसका क्या है? प्रकाश संश्लेषण करवाना है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो उसमें धागे जैसी संरचना होती है। और माइटोकांड्रिया के क्या कार्य? तो माइटोकांड्रिया जो है क्या करता है? ऊर्जा घर कहलाता है ना, ऊर्जा बनाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको यदि कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, यदि इससे कुछ नॉलेज मिला है, डेफिनेटली मिला होगा। इंग्लिश की जो है क्वेश्चन बैंक के भी हम अपलोड कर रहे हैं और साइंस के भी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो यदि अच्छा लगा तो उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।